अरे रुको भैया रुको, सामने देखो कौन है। बकायदा बीजेपी के एक से बढ़कर एक नेता झाड़ू को तो ऐसा पकड़ रखा था कि मां चुरपा साहब सबसे बड़ा अवार्ड इन्हीं को मिला हो। हम तो हैरान हो गए, हमारी आंखें पड़ गई कि क्या बात है। वैसे बस अब आजकल झाड़ू बहुत फेमस है, कुछ लोग का तो बस अभी चुनाव चिन्ह भी बन चुका। पर बाराबंकी जिले को ऐसा फेसबुक पर हमारी नजर गई तो क्या बताएं, सुधीर कुमार सिंह और भाई साहब सिद्धू भी कह सकते हो। वैसे नाम बसा आदरणीय से लिया जाता है, बहुत बुजुर्ग है। फिर बस अब आपको तर के लिखा था इन्होंने कि स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह से अपना लो कि वह आपकी आदत बन जाए। कसम बाप की बासा ऐसी आदत बन गई कि दुर्दशा दिखाने के बाद माथा गर्मा उठेगा। बाराबंकी जब खरिया भाव तक डूबा पड़ा, आधा पैसा निकला कि नहीं निकला पानी पता नहीं। पर भाईसा बाराबंकी जनपद के आपको जहाँ पर ये सफाई कर रहे थे वहाँ का दर्शन देख लो, तनोखर की स्थिति देख लो, बस अब कतनी गंदगी भरी पड़ी है। पर ज्यादा बोल देंगे तो कॉलेज अब साफ लौटेगा। इसको भाईसा अगर स्वच्छता अभियान से जोड़ना चाहते तो ठीक है, जय हो भैया। इसी को बोलते स्वच्छता अभियान, सब जने आए बस फोटो खिंचाकर चले गए। बाराबंकी जनपद के तनोखर तालाब की स्थिति ही दिखा देंगे तो माथा गर्मा उठेगा। फिलहाल ज्यादा नहीं बोलेंगे वरना बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी की सरकार चल बैठे तो दिक्कत हो जाएगी। पर वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। बाराबंकी जिले में भाषा बहुत बड़ी खबर आई, बनवारी लाल का लड़का कातिल निकला। कातिल ऐसा कि कांपता गला दबा कर हत्या कर दी थी। दरअसल आपको तरह की युवती नरसंग हत्याकांड का सफल अनावरण किया गया। मामले की जानकारी बाराबंकी जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी मनोज पांडे जी स्वयं दे रहे हैं। आज बकायदा खुलासा किया गया और अभियुक्त भाषा देखो पीछे खड़ा था। पहले तो भाषा पिता सूचना देता पुलिस वाले को, डायरेक्ट 112 को सूचना देता कि भैया देखो देखो हमारी बेटी सांप काट ले। सांप काटने के बाद भाषा जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और जैसे ही भाषा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है सारा खुलासा हो जाता है, पुलिस टीम गठित की जाती है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाती है। मामला सुनिए पूरी विस्तार से। करीब 4 बजे डायल 112 पे सूचना आई। सूचना देने वाले राम गणेश, उन्होंने सूचना दी कि उनकी पुत्री को सांप ने काट लिया है, उसकी डेथ हो गई। इसके बाद थाना असंदरा पुलिस मौके पे गई और डेड बॉडी को लेकर मार्शली जिला अस्पताल भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए, मृत्यु का कारण जानने के लिए। पीएम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी गला घोट के हत्या की गई है। इसके बाद धारा 302 की बढ़ोतरी की गई और पूछताछ और विवेचनात्मक कार्रवाई के बाद ये जानकारी प्रकाश में आई कि इनके यहां मृतका का रिश्ते का भाई कई दिनों से रुका हुआ था, जो ठेके पे केले वेले की खेती करता है। और मृतका के छोटे भाई ने उनको आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था 2-3 दिन पहले, तो वो बदला लेने के उसमें फिराक में था, उसे मौका मिला तो उसने उसकी गला दबा के हत्या कर दी। और जांच पड़ताल से फिर पता चला कि जो इनका मृतका का जो रिश्ते का भाई है बनवारी, जिसकी उम्र करीब 22-23 साल है, इसके खिलाफ धारा 376 की बढ़ोतरी की गई और इसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।